तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में अपन इसमें लाइटिंग रेंडरिंग दोनों चीज़ सीखेंगे। तो एक मेरे पास ये मॉडल है, देख सकते हो आप, इस टाइप का मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये अपना एक ये बेसिक मॉडल है जिसमें मैंने अभी टेक्सचरिंग कर ली है और अभी थोड़ी बहुत टेक्सचरिंग भी बाकी है, तो वो मैं एक सेकेंड में हो जाएगी वो। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसमें अभी रेंडरिंग सेटअप कुछ भी नहीं कर रखा है, अभी इसमें सिर्फ लाइटिंग लगाना है अभी। तो अपन पहले इसमें लाइटिंग लगा लेते हैं। अभी अपन पास सीलिंग है, तो सीलिंग में अपन जो जो लाइट लगने वाली है वो लाइट लगा लेते हैं पहले। तो ये सीलिंग मैंने हाइड कर ली है अभी। अभी के लिए सीलिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब इसमें सिंपल मेरे पास यहाँ पे IS लाइट रखी हुई है एक, तो मैं इसे भी हाइड कर लूँगा। अब इसमें मैं सिंपल अपनी लाइट को प्रॉपर सेट करता हूँ पहले, डायमेंशन से कितना दूर रखना है और कितना, -4 इंच, ऐसे 6 इंच दूर इधर से, यहाँ इधर से कर लेते हैं अपन 12, 6। तो ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन लाइटिंग। तो पहली लाइट मैंने कॉपी कर ली है, अभी इंस्टेंस रखूँगा जिससे कि लाइट की कॉपीज़ ज़्यादा नहीं बने, मेरे को हर लाइट चेंज नहीं करना पड़े फिर से जब रेंडर दोबारा करूँ। तो इसे इधर भी उसी टाइप से मैं इसे 4 इंच मूव कर देता हूँ इधर। तो ये अपनी ये भी मैं IS लाइट लगा रहा हूँ जो आपको सिंपल देखने को मिल जाएगी, कहीं भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में। अभी इसे मैं फिर से 4 इंच उधर साइड में मूव कर देता हूँ और इसका एक कॉपी बना लेता हूँ और इसे बीच वाली लाइट को डिलीट। अब सेम इधर भी वैसे ही करेंगे अपन। कॉपी कर लिया मैंने, इसे -4 इंच कर लेता हूँ जिससे कि सारी लाइट प्रॉपर सेट हो जाए। ये वाली लाइट को अपन दूर इसलिए रखेंगे क्योंकि इसे अपन रखेंगे बीच सेंटर में, क्योंकि अपना रूम इतना बड़ा है, यहाँ पे अपन को स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। इतना मिनिमम इस सेंटर में रखेंगे और एक लाइट और ऐड करेंगे अपन जो अपनी होगी इस तरह। लाइट देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरे पे लाइट मैंने इस टाइप से लगा दी है। ये जो अपनी IS लाइट है ये लगाई है अभी मैंने, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वही लाइट लगाता हूँ। तो मेरी अभी ये 24 नंबर लाइट है और एक प्लेन लगा रखा है मैंने, देख सकते हो यहाँ पे प्लेन दिख रहा है आपको लाइट में। अभी अपना कोव लाइट, तो अपनी कोव लाइट है तो अभी इसे भी अपन लगा देते हैं। तो सिंपल अपन जाएंगे अब प्लेन में, प्लेन लाइट लेंगे, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपको लाइट में, और फिर अपन एक ड्रैग करेंगे इस टाइप से। अब ये देख सकते हो आप, इसका एंगल नीचे की साइड आया, इसे अपन को ऊपर की साइड करना है इसका फेस। तो अपन यहाँ से मिरर है, मिरर पे क्लिक करेंगे और वाई एक्सिस में करा तो ये मूव हो गई। इसका गिज्मो मेरे को नीचे चाहिए तो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ गिज्मो को। आप लाइटिंग तक पहुँच गए हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता चली गई होगी जो कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ सही से। जैसे मैंने गिज्मो कहाँ से करा, लाइट कहाँ से ली, ये चीज़ें तो आपको, आप लाइटिंग तक पहुँच गए हो तो इतनी तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा कि आपको पता पड़ जाए कि ये चीज़ कहाँ से ली है। अब मैंने फिर से इसे इंस्टेंस ही रख रहा हूँ मैं सारी लाइट को, फिर से इसका कॉपी कर लिया मैंने, इसे मैं यहाँ पे प्रॉपर इसे स्नैप कर देता हूँ। अब स्नैप का शॉर्टकट तो आपको पता ही होगा A से, और रोटेट का आपको A, तो आप ये प्रेस करोगे तो आप सिंपल रोटेट भी कर सकते हो, स्नैप भी कर सकते हो। ये अपनी यहाँ पे लाइट लग चुकी है। अब मैं इसमें टेम्परेचर सेट कर देता हूँ, मैं भी करता हूँ 3600 टेम्परेचर सेट कर दिया मैंने इसका। मैं इसकी इंटेंसिटी भी रखता हूँ 15। तो अभी तो अपनी ये बेसिक लाइट जो अपनी सीलिंग में लगी है सिर्फ वही लाइट लगाई है।
अब इसमें मेन लाइट लगाते हैं प्योर धीरे धीरे। अब इसमें एक लाइट और लगाऊंगा मैं, अभी ये देख सकते हो आप, ये फेस जो अपना बेड पैक है, इसमें भी अपन एक लाइट लगाएंगे सिंपल। यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिससे कि अपनी, फिर से यहाँ से अपन वाई एक्सिस में ले लिया इसे और ओके कर दिया। मिरर के ऊपर लाइट नहीं लगा रहा हूँ मैं, मिरर के वहाँ मैंने देख सकते हो आप सेल्फ मिशन दे रखा है अभी। प्रॉपर सेट कर रहा हूँ मैं लाइट को जिससे दिक्कत ना आए कुछ भी। तो अपने यहाँ भी अपन ने लाइट लगा दी है देख सकते हो आप यहाँ पे सिंपल। इसका भी टेम्परेचर अभी मैं चेंज नहीं करता हूँ, वैसे ही रहने देता हूँ। अभी अपनी जो वार्डरोब है इसमें भी लाइट लगाते हैं, तो वार्डरोब मैंने सेलेक्ट कर लिए। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसमें भी सेल्फ मोशन दे रखा है, तो वही मैं टॉप व्यू में जाऊँगा। अब टॉप व्यू से फिर लाइट सेलेक्ट करूँगा सिंपल, यहाँ पे एक लाइट लाइट लगा दी अभी मैंने सिंपल यहाँ पे। और मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, उसे सेल्फ मिशन के नीचे रख रहा हूँ। इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी कर लेंगे, इसे कॉपी करते आ रहा हूँ मैं इसे। अब एक और नीचे लेंगे अपन लाइट और सिंपल इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, टॉप व्यू में चले आएंगे भले ही। अब इसे स्ट्रेच करेंगे, इतना स्ट्रेच कर लिया मैंने। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना है तो अपन इसे बढ़ा सकते हैं, मगर अभी मैं डिफ़ॉल्ट जितनी है उतनी ही रहने दे रहा हूँ। और सिंपल ये यहाँ पे भी लाइट लग चुकी है अपनी, चार लाइट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो अपने यहाँ पे अपने लाइट लगा चुके हैं, अब और चीज़ अपन देखते हैं। अब अपनी लाइट है जो अपन लगाएंगे अपने टीवी यूनिट में, तो टीवी यूनिट में कैसे लाइट लगाएंगे वो भी मैं अपन देखते हैं। तो मैं टीवी यूनिट सेलेक्ट कर लिए और सिंपल टॉप व्यू में जाता हूँ मैं। आप ये देख रखो यहाँ पर मैंने भी बना रखा है लाइट लगाने के लिए, इसमें अपन लाइट लगा देते हैं, टॉप से ही लाइट लगाएंगे सिंपल। इसे स्नैप लाइट ले लेता हूँ पहले, यहाँ से मैं इसे स्नैप कर लूँगा लाइट को, जहाँ तक अपन को लाइट देना है वहाँ तक। अब फिर इसे रोटेट कर लेता हूँ एक बार और, इंस्टेंस करेंगे यहाँ पे इसका। इस टाइप से फिर से अपन यहाँ से इसे इंस्टेंस ही लेंगे, फिर से इसे नीचे ले आएंगे। इसका टेम्परेचर भी अपन चेंज नहीं करते हैं, ये अपन डिफ़ॉल्ट में ही अभी चल रहे हैं, अभी लाइट सेट नहीं करी अपन ने, इसलिए मैं इसका टेम्परेचर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर चीज़ मैं यहीं चेंज कर देता हूँ। जैसे इसका टॉप है तो टॉप में कोई इसका चाहिए मार्बल में, तो मैं इसमें मार्बल डाल देता हूँ इस टाइप से। तो अपनी इतनी लाइट तो अपन ने सेट कर दी है अभी, इस हिसाब से देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारी लाइट आ गई। और अब मेन लाइट और होती है जो अपनी बाहर से सोर्स आता है, तो मैंने दो लाइट यहाँ से भी सेलेक्ट कर रखी है। ये जो मेरी स्काई वाली लाइट है ये है वो, ऐसे भी मैं यहाँ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ।
अब यहाँ पे फैन है, क्योंकि इंडियंस रूम में हमेशा फैन तो होता ही है। आप इंडिया में जाओगे तो आपको फैन तो मिलेगा हर रूम में, एसी हो, सीलिंग एसी हो, कुछ भी हो, मगर फैन तो होगा। तो यहाँ पे अपन इंडियन टच ही कर रहे हैं, इसलिए अपन ने फैन भी यहाँ सेट कर दिया है। फैन भी मैं सही जगह पे इसे लगा देता हूँ इस टाइप से। ये अपना थोड़ा सा बहुत डेकोरेशन का आइटम है, जिसे मैं टीवी पे रखूँगा। इसमें से भी मैं आइटम कॉपी करके टीवी यूनिट पर रख लेता हूँ। इसे थोड़ा सा अपन रोटेट कर लेते हैं इस टाइप से, और ये अपन जो एलिफेंट है इसे भी रोटेट कर लेंगे। टॉप व्यू में फिर से आ गए अपन, जो अपन ने चीज़ लगाई है इसे भी अपन चेक कर लेते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। ये भी हवा में तो नहीं है, क्योंकि हवा में हर चीज़ हवा में नहीं होती है। तो इसे मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ये लगा दिया। तब अपना इतना तो कंप्लीट हो चुका है, और अपने पास अभी भी लाइट लगाने की जगह और है, जैसे कि ये, इसमें भी अपन लाइट लगा लेते हैं। तो मैं इसे अभी ओपन करता हूँ, सिंपल फ्रंट टॉप व्यू में चले आऊँगा पहले मैं। आईएस अपनी प्लेन लाइट ले ली मैंने अभी, सिंपल वाली जो अपनी वीरे में आती है। इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, इस लाइट की थिकनेस मैं बहुत छोटी रखूँगा, मतलब ये बहुत बारीक लाइट लगाएंगे, मैं 0.5 0.25 की लगाएंगे। ये 0.25 की लाइट कर दी है मैंने अभी। अब इसे कॉर्नर में लगाएंगे एकदम, कि हल्की बहुत प्रोफाइल जैसा शो हो ये लाइट, एकदम इस प्रकार से लाइट लगाएंगे। फिर इसे इसे मैं रोटेट कर लूँगा। मैं इसमें तीन साइड लाइट लगाऊँगा, चार साइड नहीं लगाएंगे अपन, तीन ही साइड लगाएंगे लाइट। हल्का सा दूर कर लेता हूँ मैं इसे। फिर से इसका यहाँ पे कॉपी ले लूँगा मैं इंस्टेंस पे। इसे इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे एक बार। अब इसे इसे थोड़ा सा रेंडम अपन सेट करेंगे, क्योंकि सेट तो करना पड़ेगा, सेट नहीं करेंगे तो अपनी लाइट इधर उधर भाग सकती है, क्योंकि वो भागने वाली है। तो अपनी यहाँ भी लाइट लग चुकी है, इसका भी टेम्परेचर अभी चेंज नहीं करते हैं। तो अपनी ऑलमोस्ट सारी जगह लाइट लग चुकी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। सिर्फ एक जगह और लगा देते हैं इसके नीचे जो अपने, तो मैं सिंपल यहाँ से ऊपर से लाइट सेलेक्ट करता हूँ, लाइट सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, फिर से रीसेलेक्ट, फ्रंट व्यू में जाऊँगा, इसे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इस टाइप से वैसे तो आपको ऑलमोस्ट अपने हर लाइट लगा चुके हैं, अब तो ख़त्म भी हो गया। अब लाइट कहाँ लगाएं वो भी नहीं पता पड़ेगा। थोड़ा सा फ़ैन ज़्यादा बड़ा है, तो अभी इसे फ़ैन को अपन छोटा कर लेते हैं। ये मैं भी छोटा कर लेता हूँ फ़ैन को। फैन का साइज़ अराउंड 42 इंच या 36 इंच के करीब होता है, जिस हिसाब से मैं रख रहा हूँ अभी, उस हिसाब से तो इतना ही रखा है मैंने। तो अपना फ़ैन भी लग चुका है, फ़ैन को भी अपन कोई सा टच दे देते हैं, जैसे कि ये कलर में फ़ैन करेंगे।
या वाइट ही रहने देते हैं, वाइट ही रहने देते हैं, दिखता वाइट ही अच्छा लगेगा। तो अपनी इतनी मॉडलिंग, तो सब लाइटिंग अपन ने सेट कर दी अभी, मतलब सेट तो नहीं की अभी, लाइटिंग अपन ने लगाई है सिर्फ। अब इसमें अपन धीरे धीरे अब लाइटिंग टेस्ट करेंगे, जैसे कि अभी पहले सबसे पहले सारी लाइटें बंद करी जाती है, तो मैं यहाँ पे सारी लाइट पहले बंद कर देता हूँ। और ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं YG स्टूडियो से। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसमें लाइटिंग करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ लाइट सेट की है, मतलब लाइट लगाई है इसमें, अब इसमें अपन लाइटिंग करेंगे आगे आगे वाली वीडियो में, जो अगली नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ग्रुप में इसे सेंड करें इस टाइप से लाइट को।